की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम बता रहे हैं। जफर की जांच करने वाले पर एक्शन लिया गया है, पुलिस अफसर के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पुलिस कमिश्नर ने ये जांच के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि पुलिस ऑफिसर पर भी जांच होगी, इसके लिए बकायदा जांच के आदेश दिए गए हैं पुलिस कमिश्नर की तरफ से। न्यूज 18 के अमित सिंह की ये खबर है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जिन अधिकारियों ने इस पूरे मामले में जांच की है और कुल 9 FIR हयात जफर हाशमी हुआ पहले दर्ज किए जा चुके हैं, और इसमें से ज्यादा जो FIR है उसमें जब चार्जशीट कोर्ट में लगाई गई तो बतौर आरोपी उनका हयात जफर हाशमी का नाम हटा दिया गया था। तो अब कानपुर पुलिस कमिश्नर ने, जो सूत्र बताते हैं कि कानपुर पुलिस कमिश्नर उन जांच अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवा रहा है जिन्होंने आरोपी हाशमी जो कि कानपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी है उस मामले में, जो है जांच अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराने का आदेश दिया है कि इन लोगों ने जो जांच की है वो सही तरीके से पूरी जांच की है कि नहीं। तो जाहिर तौर पे जिन जांच अधिकारियों ने 9 FIR जो हयात जफर हाशमी के खिलाफ दर्ज हुए थे और उनमें से जितने FIR में हयात जफर हाशमी का नाम हटाया गया है जब कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है, तो अब उन जांच अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि सूत्र बताते हैं कि कानपुर पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है उन जांच अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए। सख्त नजर आ रहा है फिलहाल। शुक्रिया अमित आपका। जर्नी में यूक्रेन की सेना